हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार, XUV700 AX7 लग्जरी पैक का आपको मैंने पेट्रोल वेरिएंट दिखाया था। बहुत सारे लोगों ने उसमें रिक्वेस्ट किया है कि आपको डीजल वेरिएंट देखना है, तो आज हम लेके आए हैं डीजल कार। तो चलिए इसको ड्राइव करके देखते हैं और देखते हैं इस कार की परफॉर्मेंस कैसी है। इसकी सीट वेलकम सीट है, तो जब आप कार के अंदर बैठेंगे तो सीट अपने आप पीछे हो जाएगी ताकि आपको इजी एक्सेस मिले, आप आराम से बैठें। और उसके बाद जो आपने मेमोरी सेट किया उस पर एडजस्ट हो जाएगी। मैंने कोई मेमोरी सेट नहीं किया इसलिए पीछे ही है, तो मैं इसको आगे कर लूँगी। वैसे जब मैं ड्राइव करूँगी तो ऑटोमेटिकली ये आगे हो जाएगी। आप देखिए इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है ये। कि दिन में भी आपको पूरी क्लैरिटी मिलती है। मेन अट्रैक्शन इस कार का ये इंटीग्रेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो इस कार को सुपर अमेजिंग बनाता है लुक वाइज। और दूसरी बात है ये कि जब अभी इस कार को मैंने स्टार्ट किया है, डीजल वेरिएंट है ये, कार को अच्छा खासा शोर मचाना चाहिए, लेकिन नहीं यार, जो हमारी नॉर्मल एक वो होती है ना माइंड सेट है कि डीजल कारें बहुत आवाज़ करती है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बहुत साइलेंट इंजन है ये। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। कार के बैक कैमरे की अगर आप बात करेंगे तो बहुत क्लैरिटी है इसमें, आपको बहुत क्लैरिटी के साथ पीछे की हर एक चीज़ दिखाई देगी, प्रॉपर डिटेल्स दिखाई दे रही है रोड की। यार, अगर आप फीचर वाइज कंपेयर करेंगे तो फीचर्स में एज सच पेट्रोल डीजल में कोई फ़र्क नहीं है। जो मेन फ़र्क है वो इंजन का ही है। ऑब्वियसली वेरियंट का बहुत बड़ा फ़र्क है यहाँ पर। पेट्रोल का इंजन ज़्यादा रिफाइंड होता है एज़ कम्पेयर टू डीजल, लेकिन पावर नो डाउट आपको डीजल में ज़्यादा मिलती है। NVH लेवल की मेन हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि डीजल है तो थोड़ा सा इंजन में नॉइस है, आपको फील होगा वो, लेकिन वो बहुत इरिटेटिंग नहीं है, बहुत हाई नहीं है, हल्का सा नॉइज़ है। और जिस मिनट आप थ्रॉटल को प्रेस करते हैं तो वो आपको जो नॉइज़ है वो थोड़ा स्पोर्टियर साइड पे लगेगा, तो यू विल लव इट। और यार, यहाँ पर जो आपको पावर मिल रही है उसके कंपैरिजन में नॉइज़ जो है वो इतना ज़्यादा आप कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला कि पेट्रोल के कंपैरिजन में इसमें आपको हल्का फुल्का नॉइज़ सुनाई देगा, लेकिन जितनी भी कारें इसके कंपटीशन में है उनके कंपैरिजन में नो डाउट XUV700 का डीजल इंजन बहुत कम नॉइज़ करता है, आपको काफ़ी कार साइलेंट ही फील होगी, तो कैबिन में आपको इतना शोर शराबा इसमें नहीं लगेगा। स्टेयरिंग की अगर आप बात करेंगे तो स्टेयरिंग आपको बहुत वेल कनेक्टेड फील होता है, लाइटर साइड पर स्टेयरिंग दिया गया है, बहुत ईजिली मैनेजेबल है और कार आपको बहुत फुल ऑन कंट्रोल में लगती है। विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यस, फुल ऑन विजिबिलिटी आपको मिलती है। बिग साइज़ ORVM आपको दिए गए हैं जो आपको बहुत क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं, रोड के ऊपर आप फुल ऑन कमांड के साथ गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। इस कार के अंदर आपके पास ड्राइविंग मोड्स हैं जिप, जैप, जूम एंड कस्टम। जो आपका जिप है वो आपका इकोनॉमी मोड है, जैप आपका एक मोड है जो सिटी ड्राइव के लिए है, और जब आप कार को स्टार्ट करते हैं और आपने कोई मोड सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो जैप पे ही जाता है। और जूम है आपका जो आपका स्पोर्ट्स मोड है। इन मोड्स को अगर आप चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग्स में आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी व्यू चेंज होता है लाइक दिस। ये जैप है एंड दिस वन इज जूम, ये जिप है। और अगर आप चूज करते हैं इसमें कस्टम मोड को तो इसके अंदर आपके पास पूरा ये पैनल आ गया है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग इस सबको सेट कर सकते हैं। सपोज आपको इंजन पावर चाहिए यहाँ पर जूम की, ब्रेक्स आपको चाहिए जैप के, क्लाइमेट कंट्रोल तो आपका नॉर्मल ही है, स्टेयरिंग भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं लाइक मैंने जूम ही कर दिया है, और थीम आपको जैप की चाहिए या फिर जिप की चाहिए, जो भी चाहिए यार, आप पूरा इस पैनल को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो कार अपने आप को इस कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर कर लेगी और ये ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ आपको मिल जाएगी रोड पर कार को ड्राइव करते टाइम, जो बहुत पहली बार है सेगमेंट में, इनफैक्ट इंडिया में पहली बार है ये। तो इतना सारा, इतना वास्ट ड्राइविंग मोड कैपेबिलिटीज़ आपको किसी गाड़ी में मिले जिसमें आप अपना इंजन को चेंज कर सकते हैं, स्टेयरिंग को चेंज कर सकते हैं, ब्रेक्स को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये इस बजट की कार में इम्पॉसिबल है, आपको दूसरी किसी गाड़ी में नहीं मिलने वाला है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है दोस्त। इस कार में आपके पास अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है जो बहुत रिक्वायर्ड है। उसमें क्या होता है कि आप अपने क्रूज़ कंट्रोल, सपोज़ मैंने 60 पे सेट किया हुआ है और मेरे आगे वाले व्हीकल की स्पीड इज़ 40 ओनली, तो मेरी कार अपने आप 40 पे चली जाएगी और जैसे ही वो अपनी स्पीड को एक्सीड करते हैं तो ये गाड़ी वापस से 60 पे चली जाएगी,
तो ये बहुत स्मार्ट फीचर है, बहुत रिक्वायर्ड फीचर है। नॉर्मल कोई गाड़ी है जिसमें अडेप्टिव नहीं है, वहाँ तो गाड़ी ठोक के ही दम लेगी भाई, पक्का मार देगी। इसके अंदर लेन असिस्ट का भी फंक्शन दिया गया है कि आप इसको क्रूज पे सेट करके और एक पर्टिकुलर लेन में आ जाइए और इसको यहाँ से सेटिंग अप करेंगे। उसके बाद मैंने अभी स्टेयरिंग छोड़ रखा है, आपको दिखाई दे रहा है, गाड़ी अपने आप लेन के अंदर ड्राइव करेगी उस पर्टिकुलर स्पीड पे जो मैंने यहाँ पे सेट की है। ब्रेक अपने आप ले रही है, आपको सब चीज़ें ये फील होंगी। सामने की साइड में 50 का स्पीड बोर्ड लगा हुआ है, तो गाड़ी आपको देखिए यहाँ पे 50 दिखा रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड इज 50। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अलर्ट है, सिग्नल अलर्ट कहा जाता है इसमें, जो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर दिया है XUV700 में। इस कार के अंदर आपके पास ड्राउजीनेस अलर्ट है, सपोज आप बहुत लेजी फील कर रहे हैं, आपको थकावट हो रही है, तो यहाँ पे हैप्टिक मींस जो आपका स्टेयरिंग है ये हल्का सा वाइब्रेट करने लग जाएगा, तो आपको थोड़ा होश में लाने की कोशिश करेगा। और इसके अंदर आप अपना किसी भी नियर एंड डियर की अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कि अगर सपोज आप ओवर स्पीड में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, आपने कोई स्पीड लिमिट सेट करनी है उसमें, और उस अलर्ट को डाल देना, उस वॉइस को रिकॉर्ड करके डालना है, तो जैसे ही आप उस स्पीड को एक्सीड करेंगे तो वहाँ पर भी आपको बोल कर गाड़ी वार्निंग देगी। इस कार के अंदर आपके पास कोलिजन कंट्रोल भी दिया गया है, जैसे अगर आप किसी गाड़ी के बहुत ज़्यादा पास जाएंगे तो गाड़ी अगेन सबसे पहले आपको वार्निंग देगी, और उसके बाद इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हैं इसके अंदर, कि अगर आप तब भी नहीं मान रहे हो दोस्त कि आपको इतना वाइब्रेट करके बता दिया स्टेयरिंग ने, तो कार अपने आप ऑटोमेटिकली ब्रेक ले लेगी। और ये जो फीचर्स है ना, ये सब ज़्यादातर गाड़ियों में आपको गिमिक लगेंगे, बस ऐसे ही दे रखे होते हैं, लेकिन नहीं, XUV700 में ये रियली में वर्क करते हैं। जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था कि मैंने इसको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पर सेट किया था, तो गाड़ी आगे की कार के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट कर रही थी, ज़्यादा पास जा रही थी, तो इसने ब्रेक भी ली थी। तो हर चीज़ इसके अंदर वर्किंग है, ऑपरेशनल है, तो उन चीज़ों के ऊपर कोई गिमिक नहीं किया गया, सब चीज़ें आपको रियलिटी में प्रैक्टिकली प्रोवाइड की गई है। अगर हम इंजन कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इंजन जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो आपका 2.2 लीटर M-Hawk डीजल इंजन का यूज़ किया गया है, जो आपको पावर देता है 185 PS की। और इसमें टॉर्क अगर आप मैनुअल गाड़ी लेते हैं तो आपको मिलेगा 430 न्यूटन मीटर का, और अगर आप लेंगे डीजल तो वो आपको मिल जाएगा 450 न्यूटन मीटर का, जो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद पेट्रोल इंजन। अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात करेंगे पेट्रोल डीजल में, तो जो आपका पेट्रोल है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 14 की एवरेज देता है, और यहाँ पर आप 16.8 की एवरेज निकाल पाएंगे डीजल में, तो नो डाउट एवरेज यहाँ पर ज़्यादा है। इस कार के अंदर आप एलेक्सा के साथ पूरी कार को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक आपको सिंपली बोलना है एलेक्सा ओपन द सनरूफ। ओके, अब ये पूरा ही खोल के चैन लेगी। एलेक्सा क्लोज द सनरूफ। एलेक्सा प्ले बचपन का प्यार। ये अलग ही कोई वर्जन आ गया बचपन के प्यार का, लेकिन यस उसने बचपन का प्यार प्ले कर दिया। तो आप अपने बहुत सारे कमांड्स यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं बहुत स्मार्टली। एड्रेनॉक्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से इस कार का म्यूजिक सिस्टम, ड्राइविंग बोर्ड्स, कमांड्स, ये सब चीज़ें ऑपरेट होती हैं और बहुत स्मार्टली ऑपरेट होती हैं। तो ओवरऑल ड्राइविंग की अगर आप बात करेंगे तो यस, नो डाउट इसकी ड्राइविंग बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल सीट है, बहुत अच्छा खासा थाई सपोर्ट आपको मिलता है, और बहुत कंफर्टेबली आप इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे। और अगर बात करूँ मैं इस कार के एम्बियंस की, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कार है ये, नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड, इनसाइड एज वेल। बहुत स्मार्ट इंटीरियर है इस गाड़ी का, बहुत लग्जरी फील करके आप इस कार की ड्राइव को इंजॉय करेंगे। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इस कार के अंदर आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिए गए हैं, फ्रंट के लिए अलग, बैक के लिए अलग, और यहाँ पर हाई डंपिंग का यूज़ किया गया है, हाईली फ्रीक्वेंट स्टैटिक डंपिंग आप उसे कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपकी गाड़ी है ये आपके रोड को सेंस कर लेती है, और अगर आपके कोई डंप्स आते हैं, जर्क्स आते हैं, तो वो ऐसा सच आपको गाड़ी में फील नहीं होंगे। तो सस्पेंशन इसका बहुत ट्यून्ड आपको फील होगा रोड के साथ, गाड़ी के साथ। तो आप कह सकते हैं कि जो XUV700 है इसके अंदर आपका जो सस्पेंशन है वो ट्यून्ड है एज़ पर रोड कंडीशन। तो जैसा भी आपका रोड का वो होगा उसके हिसाब से आपकी डंपिंग एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको हाई साइड पे चाहिए तो हाई पे चला जाएगा, लो चाहिए तो लो पे चला जाएगा। तो ये बहुत स्मार्ट फीचर है इस गाड़ी का कि आपको ड्राइव के टाइम पर एज सच कोई जर्क्स, कोई डंप्स फील नहीं होंगे।
इस कार के अंदर मॉडर्न ESP का यूज़ किया गया है, जिसकी हेल्प से आपको बॉडी रोल बिल्कुल भी फील नहीं होगा इस कार के अंदर। बहुत स्टेबल लगेगी कार, बहुत कनेक्टेड लगेगी रोड के साथ। इसके अंदर ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग दी गई है, जैसे आपको दिख रहा है कि जैसे मैंने इंडिकेटर दिया तो मुझे साइड्स का पूरी विजिबिलिटी आनी शुरू हो गई है। तो दोस्त, ये था हमारा XUV700 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट का ड्राइव रिव्यू। बहुत अमेजिंग कार है चलाने में, अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं तो आप इसको बिना किसी कन्फ्यूजन के कंसिडर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया गाड़ी है, और एवरेज की टर्म्स पे अगर आप जाएंगे तो यस, नो डाउट आपको जाना चाहिए डीजल के लिए। पेट्रोल आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, अदरवाइज़ जो भी डिफरेंस है मैंने आपको सारे बहुत क्लियरली बताए हैं पेट्रोल और डीजल के अंदर। तो आप इन सब चीज़ों को कंसिडर कीजिए और देखिए आपको क्या पसंद आता है। तो चलिए मिलेंगे दोबारा नई रॉकिंग कार के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।